अचानक तुम्हें हो क्या गया? बीच में तो सब कुछ क्लियर हो गया था ना हमारे बीच में, और मुझे सच में लगा था कि सगाई के बाद शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। तुमने क्या फालतू की जिद पाल रखी है मुझे देविका साबित करने की? ये जिद नहीं सच्चाई है, तुम्हारी सच्चाई। और आज तुम कुछ भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी देविका हो, मेरी देविका। मुझे सिर्फ ये नहीं मालूम कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, उसके पीछे वजह क्या है देविका? मुझे बताओ क्या वजह क्या है? देविका देविका लगा रखा है तुमने फिर से, पागल हो गए हो क्या? ये क्या पागलपन का दौरा पड़ता रहता है तुम्हें? देखो, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो मुझे देविका साबित करने की, और तुम तो क्या, निवेदिता, मोंटी, सब लोग कोशिश कर चुके हैं साबित करने की कि मैं देविका हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम लोग के सारे सबूत झूठे निकले, क्योंकि मैं देविका हूँ ही नहीं, मैं अंबिका रायचंद हूँ। पता नहीं ये क्या नया फितूर पाल लिया तुमने फिर से मुझे देविका साबित। फितूर नहीं, पक्का सबूत है मेरे पास, और आज वही सबूत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ बैठ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर बैठो। What are you doing? बैठ यहाँ पर। पैरों पर करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैंने कहा बैठो यहाँ पर। ये क्या? मेरी बात सुनो यहाँ पर। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय सच के। सच बताओ कि तुम मेरी देविका हो। बोलो कि तुम मेरी देविका हो, सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी देविका हो। बताओ मुझे तुम देविका हो या नहीं, बोलो जवाब दो मुझे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो देविका? मैंने ऐसा क्या किया? बताओ देविका, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? मेरी आंखों में गुस्सा क्यों देविका? बताओ मुझे देविका, तुम्हें क्या जरूरत थी झूठी पहचान की? तुम्हें क्या जरूरत थी देविका से अंबिका बनने की? मुझे आज सब कुछ सच जाना है देविका, मुझे बताओ। अगर तुम सुनता तो वापस क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? तुम मुझे क्यों तड़प रही हो देविका? मुझे बताओ सच क्या है इसके पीछे? बताओ देविका, मुझे बताओ, मुझे मुझे जवाब चाहिए देविका। देविका मेरी बात का जवाब, देविका मुझे बताओ, देविका बोलो देविका। सपना देख रहा था। नहीं सपना ही था, लेकिन इस सपने को सच बनाकर ही दम लूंगा। मैं कल सुबह सुबह देविका के घर जाऊंगा, और उसकी असलियत क्या है वो उसके सामने साबित करूंगा। उसे मानना ही पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि वो मेरी देविका है, सिर्फ मेरी देविका। अंबिका रायचंद है। काम तो समझ में आ गया सर जी, और ये सब काम? अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और आप ये बता दो कि किडनैप करके कहाँ ले जाना है, कौन से अंग की हड्डी तोड़ूं, हाथों का प्रयोग करूं या लातों का, या छाती में बंदूक रख के छिथड़ा उड़ा दूं? बस आप हुक्म करो सर, मैं वैसा ही करूंगा। नहीं जोगिंदर, प्यार से अपहरण करना, प्यार से रखना, प्यार से। सर एक बात बताइए, दुश्मन के प्रति इतना प्यार क्यों? और फिर आदेश करो और फिर देखो तमाशा। तो अपनी बकता ही जाएगा कि मेरी बात भी सुनेगा? तो मेरी बात सुन, मैंने कहा ना कोई हमारा विरोधी नहीं है, ये मेरा पुराना प्यार है, इसीलिए प्यार क्यों उठा, कोई बदतमीजी नहीं उसके साथ, समझे? रुक एक मैं फोटो देता हूँ। ये लड़की है, इसका अपहरण करना। काम तो हो जाएगा सर जी, लेकिन एक समस्या है। अब क्या समस्या है? पर इतनी गाड़ी है, कोई गाड़ी ले जाऊं क्या? वो क्या है ना, खुली जीप है मेरी, खुली जीप में किडनैपिंग करूंगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा सर। गाड़ी में भिजवा दूंगा, बस काम कर ले। आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, बस आप फटाफट उसका एड्रेस बता दो, हम सुबह सुबह जाके उसके घर से उसको उठा लेंगे। वो कोई मामूली औरत नहीं है, पैसे वाली है, कोई विरोधी पार्टी का नेता नहीं है कि घर पे गया उसे उठा के लेके आए। उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी है, जो भी करना संभाल के करना। ये देखना है कि वो घर से बाहर कब निकले। घर से बाहर निकलने के बाद जब उसके आसपास कोई नहीं रहेगा, तब उसका अपहरण करना। जी सर, काम हो जाएगा। और काम होने के बाद जल्दी मुझे फोन करना, वेट मत करना। तो सर मैं निकलता हूँ, आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिए। हेलो मिस्टर रायचंद, मुझे पता है कि तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। तुमने जो अंबिका के पैर पे बर्थमार्क देख लिया है, उसी को लेकर सवाल करने आए हो।
एक्चुअली मुझे अंबिका से मिलना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोज मुंह उठाकर चले आते हो कि मुझे अंबिका से मिलना है। उस दिन भी मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन जबरदस्ती तुम उसके कमरे में चले गए, और आज फिर सुबह सुबह अलापते हुए आ गए कि मुझे अंबिका से मिलना है, जरूरी काम है। तुम्हें कोई मैनर्स, कोई तहजीब नाम की चीज है या नहीं? वैसे एक बात बताओ, हम क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं जो बिना परमिशन लिए तुम हमारे घर में चले आते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? देखिए, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आज जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अंबिका से, और उससे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। आप झूठ बोल रही हैं, मुझे मालूम अपने कमरे में। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो घर पर नहीं है तो नहीं है। मुझे मालूम अपने कमरे में। अरे ये क्या बदतमीजी है रवि, रुक जाओ रवि। अंबिका, हम अंबिका जी मैं रवि अग्रवाल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंबिका जी देख लिया, हो गई तसल्ली? अब तुम्हें समझ में आना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब जाओ यहाँ से। मैं अंबिका से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है, और मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा उनके आने का। You know what? तुम्हारे जैसा जिद्दी और अड़ियल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें इंतजार करना है ना, तो करो, लेकिन बिन बुलाए सर फिरे मेहमान के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। जल्दी वापस आ जाओ, बस एक बार ये बात साबित हो जाए कि तुम मेरी देविका ही हो, तो हम दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मिस लूथरा का फोन। हेलो, कहाँ हो तुम रवि? सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, किसी को बताते भी नहीं हो। ऐसे तो फिक्र होती है तुम्हारी रवि। तुमसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट, इसलिए कल रात को तुम्हारे कमरे में गई थी। सो रहे थे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, सोचा अगली सुबह तुमसे बात कर लूंगी। व्हाट इज दिस रवि? मिस लूथरा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ, आप बताइए क्या जरूरी बात है। ये कह रहा था तुमसे रवि कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंबिका रायचंद और जानकी दीदी को हमने बहुत गलत समझा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि मुझे लग रहा था। ऑक्शन में जो उन्होंने घर खरीदा वो मेरे खिलाफ जाकर नहीं खरीदा रवि, एक्चुअली मेरी मदद कर रहे थे। मैं अंबिका को बार बार गलत समझती हूँ, बट शी वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी। वो घर उसने इसलिए खरीदा हमारा ताकि वो हमें घर वापस दे सके। आई एम फीलिंग टेरेबल अबाउट दिस रवि, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे तुमसे ये तो कहना ही था, बट बाकी की बातें मैं तुमसे मिलकर करूँगी। जी मिस लूथरा, आपने उसे गलत समझा, लेकिन मैंने हमेशा सही समझा उसे। वो अंबिका है ही नहीं, वो मेरी देविका है, मेरी देविका, और आज इस सच में उसके मुंह से कबूल करवा के ही रहूंगा।